अस्सलाम वालेकुम जी, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेम में, हमारे साथ एजाज गुल साहब हैं और आज हम बात करेंगे कुछ सिंगर्स की, जिसमें शामिल हैं मेहदी हसन साहब, जगजीत सिंह जी और सलीम रजा साहब की बात हम करेंगे। जी बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और सर सबसे पहले हम किस सिंगर की बात कर रहे हैं? हम सीनियोरिटी के हिसाब से बात करेंगे जी और सबसे पहले मेहदी हसन आते हैं। इनकी पैदाइश 1927 में हुई थी और उनकी शोहरत जो है वो गज़लों के साथ साथ फिल्मों के प्लेबैक भी हैं, लेकिन फिल्मों में प्लेबैक भी उन्होंने ज़्यादा जो हैं वो गज़लें दी और उनको यहाँ पाकिस्तान में शहनशाह गज़ल भी कहा जाता है। और उनकी परवरिश जो है वो म्यूज़िक फैमिली में हुई और उन्होंने तकरीबन 300 फिल्मों में गाने गाए, गुरुकारी की। ज़िंदगी के आगाज़ में उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी, आसान नहीं थी ज़िंदगी उनकी। और लेकिन इस दौर में भी उन्होंने रियाज नहीं छोड़ा, बाकायदगी से वो हर रोज़, लिटरली हर रोज़ डेली रियाज करते थे। और उन्होंने उन मौसीकी का शौक़ जो है उसका आगाज़ रेडियो पाकिस्तान कराची से हुआ। और उन्होंने फिल्म फरंगी में फैज़ साहब की गज़ल गुलों में रंग भरे बाद नौबहार चले गाई थी, जिससे उनको बहुत शोहरत मिली। और लता ने उनके बारे में कहा था कि उनके गले में भगवान बोलते हैं। और एक एल्बम आई थी सरहद के नाम से, जिसमें लता और मेहदी हसन दोनों ही ने गाने गाए थे, बड़ा मशहूर हुआ था। जहाँ तक मेरा अपना ताल्लुक है उनकी उन उन उनके फेवरेट गानों से, तो मुझे मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, पियानो के ऊपर था ये गाना, वहीद मुराद पे पिक्चराइज हुआ था, वहीद मुराद और शमी मारा फिल्म दोराहा। और फिर प्यार भरे दो शर्मीले नैन, ये नदीम का था। और फिर एक बड़ा ही मशहूर गाना था फिल्म जरखा में, रक्स जंजीर पहन कर भी किया जाता है। और फिर रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। और बेशुमार गाने हैं मेहदी हसन के, बेशुमार गज़लें हैं, लेकिन चूंकि यहाँ हमने एक मखसूस टाइम के ऊपर उनकी ये करियर जो है डिस्कस करना था, तो ये मेहदी हसन थे। अब भी उनके गाने सुनाए जाते हैं और अब भी बहुत वो पसंद किया जाता है उनको। और हमारे दूसरे सिंगर जो हैं वो सलीम रजा हैं। ये सर सर एक सेकंड, सलीम रजा से पहले सर मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूंगी कि मेहदी हसन साहब की आवाज जो है प्लेबैक सिंगर के तौर पे बहुत अच्छी चलती थी, और चाहे वो वहीद मुराद हो, चाहे मोहम्मद अली साहब हो, चाहे नदीम साहब हो, कोई भी सिंगर हो, तो बहुत ऐसा लगता था वो खुद गा रहे हैं। मतलब बहुत दफा अगर हम गाने देखें तो वो बहुत खूबसूरत होते हैं, और स्पेशली मोहम्मद अली साहब पे तो ऐसा लगता था जैसे वो खुद ही गा रहे हैं, किसी कोई प्लेबैक सिंगर है ही नहीं। ये कमाल मेहदी हसन साहब का था, जबकि बाद में जो सिंगर्स आए, जिसमें स्पेशली मैं ए नैयर साहब का नाम लूंगी, कि वो फौरन उनकी आवाज पकड़ी जाती थी कि ये ए नैयर का गाना है। वो आवाज जाती नहीं थी बहुत ज्यादा किसी एक्टर के साथ, जिसे कहते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि मेहदी हसन साहब की आवाज क्यों हर एक्टर के साथ इतनी ज्यादा परफेक्टली कैसे चली जाती थी? आपने बिल्कुल इन एक्टर्स का नाम ठीक लिया। सबसे पहले मोहम्मद अली साहब आते हैं। मुझे उनकी उनका एक नगमा याद आ रहा है जो मैं भूल नहीं सकता, अहमद फराज का, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए। ये भी अपना मेहदी हसन साहब का था और मोहम्मद अली में पिक्चराइज हुआ था। और गालिबन कोई ख़ास वजह नहीं है, शायद ये है कि अपना वो शायद नूर जहान की तरह उन्हें भी, या लता मंगेशकर की तरह उन्हें भी बताया जाता था कि एक गाना जो है किस पे पिक्चराइज होगा, लेकिन उनकी आवाज़ इतनी हारमोनी थी और इतनी रेंज थी उसकी प्रॉब्ली, कि वो प्रॉब्ली आपने जिन एक्टर्स के नाम लिए, इसके अलावा एक शाहिद एक्टर आए थे हमारे यहाँ, तो जीनत में एक थी अपना, गजल तो मैं नहीं कहूँगा, नगमा ही था वो, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, वो शाहिद पे पिक्चराइज हुआ था। और लग रहा था कि ये शाहिद ही गा रहे हैं, तो ये कमाल था उनकी आवाज़ में। तो सर आप क्या समझते हैं कि पहले के मुकाबले में आजकल जो सिंगर्स हैं उनको तो स्पेशली एक तरह की इंस्ट्रक्शंस शायद दी जाती हैं कि जो एक्टर है
उसकी ही आवाज की टोन और उसी के लहजे में गाना गाया जाए। बहुत दफा हम देखते हैं सैफ अली खान हो गए, सलमान खान है, शाहरुख हैं और कई लोग हैं जिनके ऊपर जब गाना पिक्चराइज होता है तो वो बिल्कुल ऐसा लगता है शायद इन्होंने खुद ही गाना गा दिया, इस तरह के कुछ इम्प्रेशन आता है। वो लगता है सैफ की ही आवाज है। तो अब वो एक एक्टर, वो एक सॉरी सिंगर है शान, उनका इंडियन बड़े खूबसूरत सिंगिंग करते हैं और उनके उन्होंने कहा कि हमें बताया जाता है कि ये एक्टर है और आपने इन्हीं की आवाज की टोन में, तो अपनी आवाज सर कहीं खो नहीं गई है आजकल के सिंगर्स की? हाँ, हमारी म्यूजिक जो है थोड़ी सी पीछे चली गई है, जिसका मुझे बड़ा दुख है। और सिंगर्स वो चाहे मेल हो या चाहे फीमेल हो, फिल्म म्यूजिक जो है वो अब उसने एक कदम जो है पीछे लिया है। फिल्में अच्छी बन रही हैं हमारे यहाँ भी, मुझे उम्मीद है और भी आएंगी, मार्च में आएंगी, अप्रैल में आएंगी, लेकिन ये है कि म्यूजिक जो है वो थोड़ी सी पीछे चली गई है। पॉप म्यूजिक जो है, पॉप सिंगर्स जो हैं वो आगे आ गए हैं, आतिफ हैं, अली जफर हैं, और इन्होंने इन्होंने बिल्कुल एक हद तक फिल्म म्यूजिक जो है उसको 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 पॉप सिंगिंग में तब्दील कर दिया, बदल दिया उसको। बिल्कुल। और सर अब हम किसकी बात करेंगे, सलीम रजा साहब की? जी, सलीम रजा अपना आरजू 1932 में इनकी पैदाइश हुई थी, और ये अपना माइनॉरिटीज थे। आपको याद होगा हमने एक दफा बात की थी कि माइनॉरिटीज आर्टिस्ट जो हैं उनको इतनी जगह नहीं मिली फिल्मों में और हमारे हमारी म्यूजिक में, लेकिन आयरन परवीन थी और फिर सलीम रजा तो खैर बहुत ही अच्छे थे। और इनकी आवाज़ बड़ी उदास थी और इन्होंने उदास ही गाने गाए, गमगीन गाने गाए। उनकी आवाज़ें जो हैं बेसिकली संतोष कुमार, दर्पण, एजाज पर खूब जची, और गुरुकारी जो है उन्होंने लाहौर रेडियो स्टेशन से शुरू की। और उनकी मशहूर फिल्मों में आपको शायद सुना हो जाने बहारा, रश्के चमन, फिल्म अजरा का गाना वो बड़ा मशहूर हुआ था, उसके रीमिक्स भी बने हैं। लेकिन उनकी मशहूर फिल्मों में हम सफ़र थी, सीमा थी, पायल की झनकार थी, और फिर 7 लाख में तो उनका गाना जो था यारो मुझे माफ़ रखो मैं नशे में हूँ, वो तो साल का बेहतरीन गाना बना। और नूरे इस्लाम में उनकी नात भी थी, शाह मदीना, बेदारी फिल्म में उन्होंने जो गाने गाए उनको कौमी गानों की हैसियत मिल गई, आओ बच्चों सैर कराऊं तुमको पाकिस्तान की, और ए कायदे आजम तेरा एहसान है एहसान। बाद में वो कनाडा चले गए और उन्होंने बात का हिस्सा जो है वहीं पे गुजारा, एक फिल्म म्यूजिक स्कूल जो खोल लिया उन्होंने कनाडा में। और मेरी पसंद जो है उसमें भी ज़्यादा जो हैं उदास गाने हैं, शाम गम फिर आ गई, फिर उदासी छा गई, और ए दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, और जाने बहारा का तो मैंने बताया, यारों मुझे माफ़ रखो कभी बताया मैंने आपको, और फिर वादा फिल्म में एक बड़ा अच्छा डुएट था कौशल परवीन के साथ, नजर नजर से मिला लो अगर इजाजत हो। और फिर सहेली फिल्म में नसीम बेगम के साथ बड़ा एक उदास डुएट था, कहीं दो दिल जो मिल जाते बिगड़ता क्या जमाने था। बिल्कुल ठीक। बल्कि सर ये जाने बहारा मोहम्मद अली शेखी ने भी गाया था और जी वो बहुत फिर लोगों ने ओरिजिनल ढूंढा उस वो सुनने के बाद के असल में किसने गाया, बहुत खूबसूरत गाना है और उसकी बहुत शायरी भी खूबसूरत। बहुत अच्छी है। बिल्कुल जी, जी बिल्कुल। और एवरग्रीन सॉन्ग ने सर कभी बोर नहीं होते, इन गानों से इतने खूबसूरत हैं हाँ, तो लेकिन जी आरजू अब ऐसे गाने बन नहीं रहे, और मैं बिल्कुल बहुत मिस सर मिस मिस करता हूँ। वो म्यूजिक डायरेक्टर्स नहीं हैं, वो शायर नहीं हैं, वो सिंगर्स नहीं हैं। सर अब तो अजीब अजीब गाने, वो करेक्टर ढीला और क्या क्या गाने आते हैं मुझे तो हंसी आती है। तो वो सर बिल्कुल। और वो लेकिन ये है कि म्यूजिक हमेशा रहती है और कभी म्यूजिक पुरानी नहीं होती, तो यही गाने लोग आज भी सुनते हैं। और रीमिक्स अलबत्ता मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि खुदा के लिए ना बनाया करें, क्योंकि खराब कर देते हैं आप, ओरिजिनल गाना ही रहने दिया करें। तो सर अब हम बात करेंगे ऐसे सिंगर की जो हैं तो इंडियन, लेकिन तीन चार इंडियन एक्टर्स और सिंगर्स ऐसे हैं जिसमें मैं कहना चाहूंगी किशोर कुमार साहब, जगजीत सिंह जी और देवानंद, और इनके अलावा जैसे कहते हैं शम्मी कपूर और राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, ये लोग, इनका जाना ऐसा था जैसे ये पाकिस्तान के हों
और पाकिस्तान के भी हो, मतलब इतना इतना यहाँ पे भी लोग जो थे वो अफसोस में थे, यहाँ भी कई लोग रोए उनके जाने पे। और उसमें से एक बड़ा नाम जो है वो जगजीत सिंह जी का है, जिनको हमेशा से ऐसा लगा हमें कि वो हमारे भी सिंगर हैं, और कभी महसूस नहीं हुआ कि वो भारत से आए हैं या किसी और कंट्री से बिलोंग करते हैं। जी सर, आरजू याद रखें कि जगजीत सिंह पाकिस्तान आ चुके हैं, एक से ज़्यादा बार आए हैं, और यहाँ भी उन्हें बहुत प्यार मिला। और मेहदी हसन की याद में एक तकरीब होनी थी, उसमें भी वो शरीक हुए। वो हमारे बहुत पास है, वो अपना 1941 में उनकी पैदाइश हुई है, वो 2011 में रुखसत हुए। वो सिंगर होने के साथ साथ कंपोज़र भी थे, और उन्होंने गज़ल को एक भारी ऑर्केस्ट्रा के साथ जो है, बड़ा भारी और बड़ा इम्प्रेसिव ऑर्केस्ट्रा जो है उसके साथ अपनी शायरी को और अपना पोइट्री जो थी गज़ल की, उसको बहुत मकबूल बना दिया और गज़ल को आम पब्लिक तक पहुंचा दिया। ये एक बहुत बड़ी बात है। गज़ल एक सिलेक्टेड लोगों के लिए थी, लेकिन जगजीत सिंह की गज़लें जो हैं वो हर आदमी फ्रॉम एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ सुना करता था। और फिल्मी नगमे भी उन्होंने रिकॉर्ड करवाए, प्रेम गीत में और अर्थ में, और एक और फिल्म थी साथ साथ। कामयाब सिंगर का एजाज जो है जगजीत सिंह के पास वो 5 दहाइयों तक रहा, यू नो वेरी क्लोज टू 50 ईयर्स। ये बहुत बड़ी बात थी, और ये बहुत कम सिंगर्स के किस्मत में ये चीज़ मिलती है। और हुकूमत हिंद ने उनकी याद में 2 टिकट, एक नहीं 2 टिकट, 2 बार टिकट जारी किया, और उन्होंने बहुत सी गज़लें जो हैं अपनी बेगम चित्रा के साथ भी रिकॉर्ड करवाईं। फिर ट्रेजिडी हुई और उनके जवान बेटे जो हैं वो कार के एक्सीडेंट में गुजर गए, और चित्रा ने तो उसके बाद गाने गाने बंद कर दिए बिल्कुल। और जगजीत सिंह जो हैं इन्होंने भी 1 साल तक बिल्कुल नहीं गाया, और ये बहुत बड़ा गम था चित्रा और जगजीत सिंह के लिए। बेटे की मौत, वो पाकिस्तान में बहुत इतने ही जाने जाते थे, इतने ही मशहूर थे, चाहे वो किसी हाई क्लास ड्राइंग रूम में उसकी गज़ल चल रही हो या पान की दुकान पे चल रही हो, हर तबका जो है वो उन्हें पसंद करता था। इसलिए कि बड़ी आसान अल्फाज बड़े आसान होते थे, ट्यून्स बड़ी आसान होती थी, और ऑर्केस्ट्रा जो है जो आमतौर पे गज़ल के लिए सिर्फ हारमोनियम तक ही महदूद होता है, तबला और हारमोनियम, यहाँ वो बाकायदा एक बड़ा ऑलमोस्ट फिल्म का गाना बन जाता था, और ऑर्केस्ट्रा उनका बड़ा अच्छा रहा। अगर आप आरजू मुझसे पूछें कि मुझे उनके कौन से गाने पसंद थे, तो बेशुमार गाने थे, लेकिन यहाँ मैंने आपकी सिलेक्शन के लिए होंठों से छू लो तुम, और झुकी झुकी सी नज़र, और तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, और तुमको देखा तो ये ख्याल आया, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं उनके गाने। बिल्कुल। और सर अभी तक वही मैं कहूंगी दोबारा कि अब हमेशा की तरह के एवरग्रीन गजलें और एवरग्रीन सॉन्ग्स थे, और मुझे भी उनकी तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो बहुत पसंद है। इसके अलावा बहुत अच्छा वो लगता है, कागज की कश्ती, कागज की वो बारिश का कश्ती। पानी, वो भी बहुत खूबसूरत था। फिर मेरा ख्याल है अपने बेटे के चले जाने पे उन्होंने एक गजल गाई थी, चिट्ठी ना कोई संदेश, वो भी बहुत मशहूर हुआ था और बहुत खूबसूरत उसके भी अल्फाज थे और बहुत अच्छा लिखा गया था। और इनकी तरह से पाकिस्तान में कई लोगों ने, मैंने देखा, कोशिश की थी कि हस्बैंड वाइफ की जोड़ी बना के सिंगिंग कैरियर चलाने की, कुछ थोड़ा बहुत लोगों ने, लेकिन हुआ नहीं। ये मेरे ख्याल है वाहिद इनका ही कपल था जो इतना जबरदस्त तरीके से आगे बढ़े और इन्हीं इन्हीं की जोड़ी जो है बहुत हिट हुई। लेकिन साथ ही सर एक आपको अगर याद हो, गुलजार साहब का एक टीवी प्ले था मिर्जा गालिब, जी 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 उसमें जगजीत सिंह साहब ने और उनकी जो मिसेज हैं चित्रा सिंह जी, उन्होंने बेहतरीन उसमें गजलें गाई हैं। यानी गालिब मुझे की, तो जैसे कहते गालिब हैं की। बिल्कुल गालिब की मैं फैन ही तब से हो गई, क्योंकि मुझे पढ़ के शायद इतना समझ ना आता जितना कि अगर कोई गा दे तो उसकी समझ आती है। तो उस टीवी प्ले में जो है वो हमारे यहाँ तो आने की परमिशन थी नहीं, तो वो सीडीज मिला करनी थी, डीवीडीज, उसमें देखा। और उसमें बिल्कुल नसीरुद्दीन शाह साहब ने जो है मिर्जा गालिब का रोल किया था, तो उन्होंने भी एक तरह से मिर्जा गालिब को जैसे जिंदा कर दिया, और एक उनका भी पता चला, का कैरेक्टर का पता चला, उनका एक रोल जो था जिस तरह के वो थे। और लेकिन साथ ही
उसमें उस प्ले की कामयाबी में एक बहुत बड़ा हाथ जगजीत सिंह साहब का था। अपना आरजू जगजीत सिंह आज हमारे पास नहीं है, हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन इनकी आवाज़, इनकी गज़लें, इनकी मौसीकी वो हमारे साथ रहेगी और बहुत बड़ा नाम है ये, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। और सर आप क्या समझते हैं, अब गजलों का दौर क्या खत्म हो गया है, अब सुनने में नहीं आता? जैसे मेहदी हसन साहब की बात की आपने और सलीम रजा साहब और जगजीत सिंह जी की, अब हमें गजलें सुनने को कम मिलती हैं, या उसका स्टाइल कहें कि बदल गया है, क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल में पॉप म्यूजिक जो है उसने हर चीज को टेक ओवर कर लिया है, और हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो गिटार के साथ और जीन्स के साथ, बाज़ औक़ात फटी हुई जीन्स फॉर दैट मैटर, वो आज का दौर है, हमें उनके साथ चलना पड़ेगा। लेकिन सर उनके साथ तो चलना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये कुछ गलत नहीं, म्यूजिक के साथ गलत नहीं होगा को जो वाकई में म्यूजिक को समझते हैं, और अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं, हमारी जनरेशन में भी हैं जो म्यूजिक को समझते हैं, तो क्या कोई तरीका है कि उस म्यूजिक को जिंदा रखा जाए, उस म्यूजिक को आगे चला जाए? क्योंकि रह तो वही जाती है, ये जो जीन्स और फटी हुई जीन्स वाले हैं ये तो थोड़े दिन के बाद आप देखें वो तंग आ जाते हैं उन गानों से, और कहते हैं इसको सीडी को बदल दो या गानों को यूएसबी जो है वो चेंज हो जाए, लेकिन पुराने गानों की यूएसबी हमें चेंज नहीं करनी पड़ती। मेरे पास तो वही कब से चल रही है, उसमें बस थोड़े थोड़े कुछ और सॉन्ग्स डाल लेती हूँ, लेकिन कभी बोर नहीं हुए उन गानों से। लता ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी और वो मुझे बड़ी दिल को लगी मेरे, उन्होंने कहा कि हर म्यूजिक का एक दौर होता है, और ये पॉप सिंगिंग जो है जीन्स और अपना गिटार के साथ अब इसका दौर है, लेकिन फिर लता ने ये कहा कि इसका दौर भी ख़त्म हो जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि हम वापस जो अपना सुरीली म्यूजिक जो है, मीठी म्यूजिक जो है, उसकी तरफ जाएंगे हम, और वो पुराने गानों के हवाले से तो हमारे साथ है ही वो म्यूजिक, चाहे वो नूरजहान हो या नसीम बेगम हो, यता हो, आशा हो, तलत महमूद हो, मोहम्मद रफ़ी हो, वो तो रहेंगे हमारे साथ। नूरजहान ने सर पंजाबी गाने ज्यादा गाए हैं, शायद उनकी आवाज में एक पंजाबी एक्सेंट का झटका हमें मिलता है जब वो उर्दू के गाने भी गाती हैं, जो कि लता जी के अंदर हमने नहीं देखा। उसकी कोई खास वजह थी या उनको उनको गाने ज्यादा मिले पंजाबी के, इसलिए? उनको गाने ज्यादा मिले पंजाबी के, उससे बढ़ के बात यह थी कि एक बड़ा पीरियड जो था 70s और 80s, उसमें उर्दू फिल्म जो है वो पीछे चली गई थी और पंजाबी फिल्में जो हैं वो बेतहाशा बनी, सुल्तान राही और अंजुमन और आसिया के साथ, और इस तरह से फिर नूरजहान के ज़्यादा गाने पंजाबी के थे, लेकिन उनका ताल्लुक भी कसूर से था, और उन्होंने अपना ताल्लुक जो है और अपना रिश्ता जो है, और आप बकौल आपके यू नो आवाज़ में भी वो चीज़ आ गई थी, उसके वो कसूर को नहीं छोड़ा उन्होंने। बिल्कुल जी। लेकिन सर ये म्यूजिक इंडस्ट्री में भी क्या ऐसे ही कंपटीशन चलता है जैसे फिल्म एक्टर्स का चलता है, कि उन किसको ज्यादा सॉन्ग्स मिल जाए, किसके ज्यादा सॉन्ग्स हिट हो जाए? क्या यहाँ पे भी बाद में जैसे नाहिद अख्तर आई, महनाज आई, इसी तरीके से वहां पे इंडिया में भी लता जी के बाद बहुत सी आई, इवन उनकी अपनी बहन के साथ भी कहते हैं कि बहुत कंपटीशन रहता था कि किसने ज्यादा गाने गाए हैं, एक बार गलत भी कोट कर दिया गया था, तो ये चीजें क्या सिंगर्स के साथ भी मुकाबला चला करता था? लता ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, उसने कहा था कि आशा जो है उसके लिए म्यूजिक डायरेक्टर्स जो हैं उसके गाने बनाते हैं और मेरे लिए मेरे गाने बनाते हैं। लता ने बहुत कम पॉप सिंगिंग की है, ना होने के बराबर, और क्लब के गाने जो हैं वो भी अपना उन्होंने बहुत कम गाए, बेसिकली ये आशा का हिस्सा था, और छुलबुले किस्म के जो गाने हैं यू नो वो आशा ने गाए हैं, मेरे ख्याल में अब तक गा रही हैं वो, और उन्हें स्टेज के ऊपर आके ऑडियंस को यू नो एंटरटेन करने का हुनर आता है, लेकिन लता बड़ी खामोशी से यू नो बड़ी खामोशी से वो अपना गाना गाती हैं, और वो उनमें वो परफॉर्मेंस की जो चीज़ जो है, जो हमारी मैंने आपको बताया गिटार और अपना जीन्स वीन्स वाला हिस्सा जो है, उन्होंने बड़ी खामोशी से और बड़ी इज्जत से और बड़ी बड़े एक यू नो क्या मैं कहूँगा, क्या लफ्ज इस्तेमाल करूँ, कंजर्वेटिव तो थी वो अपने लिबास में भी, लेकिन ये है कि उनकी आवाज़ जो है वो इतनी मीठी थी, बाज़ औक़ात में उनके गाने सुनता हूँ उसमें अलाप होता है जिसमें म्यूजिक नहीं होती,
लेकिन वो भी बहुत खूबसूरत होती है, उनकी ट्रांसपेरेंसी आवाज़ की और उनकी प्रोनंसिएशन और उनका एक्सेंट कमाल है। बिल्कुल सर, बहुत से कुछ ऐसे इंडियन फिल्म डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने हमेशा पाकिस्तानी सॉन्ग्स को काफ़ी अप्रिशिएट किया, लेकिन गज़लों को, जैसे महेश भट्ट साहब हुए, फिरोज खान साहब हुए, इनकी फिल्मों में हमने देखा कि उन्होंने पुराने जो पाकिस्तानी सॉन्ग्स थे उनको दोबारा से कतील शिफाई वगैरह के दोबारा अपनी फिल्म्स में इस्तेमाल किया। तो उससे पता तो यही लगता है कि एक तो म्यूजिक की कोई जबान नहीं होती और म्यूजिक का कोई देश नहीं होता। तो आप समझते हैं कि अभी भी इस तरह से जो है वो म्यूजिक एक्सचेंज होनी चाहिए और सिंगर्स को दोनों कंट्रीज के आपस में आना जाना चाहिए और कंसर्ट्स वगैरह होने चाहिए? ये हुहा वाले नहीं, मैं प्रॉपर म्यूजिक की बात कर रही हूँ। ठीक कह रही हैं। आरजू, आपने कतील शिफाई साहब का नाम लिया, वो बॉम्बे जा चुके हैं एक से ज्यादा बार और उन्होंने इंडियन फिल्म्स के लिए भी गाने लिखे हैं। चुनाचे ये मैं आपसे इत्तेफाक करूंगा कि म्यूजिक जो है इसका एक्सचेंज जो है बहुत होना चाहिए, बहुत जरूरी है, ये अपना हमें आपस में नजदीक लेके आएगा। ये बिल्कुल ठीक। यहाँ पे मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी सर आपका कि आपने शो को ज्वाइन किया, एंड आई होप टू सी यू नेक्स्ट वीक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। थैंक यू।